नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और हमारे YouTube चैनल घनश्याम टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि 2 दिन मेरा चैनल YouTube ने बैन कर दिया था। उन्होंने कुछ इसका रीज़न दिया था कि मैंने शायद किसी कम्युनिटी गाइडलाइंस को मैंने उनके फॉलो नहीं किया है, लेकिन मैंने फिर उनको कंप्लेन किया, मैंने अपील की YouTube फोरम में, तो उन्होंने फिर मेरे चैनल को वापस उन्होंने चालू कर दिया। इसलिए आपको 2 दिन वीडियो नहीं मिल पाई है दोस्तों। तो दोस्तों, आज ही मेरे चैनल को उन्होंने चालू किया। बहुत मेहनत करने के बाद उन्होंने मेरे चैनल को चालू किया है। शायद कुछ लोगों ने कुछ मल्टीपल क्लिक किए होंगे एडवर्टाइजमेंट पे, या ऐसे कुछ किए होंगे, इसलिए मेरा चैनल ब्लॉक हो गया था। तो धन्यवाद मैं करता हूँ यूट्यूब का कि उन्होंने मेरे चैनल को देखा। मैंने किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट नहीं किया था, इसलिए उन्होंने मेरे चैनल को चालू कर दिया दोस्तों। तो इसके लिए मैं यूट्यूब का धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। दूसरे आज हम बात करते हैं दोस्तों, हमारी जो कैंडलस्टिक पैटर्न चल रही है, उस कैंडलस्टिक पैटर्न की आज हम बात करेंगे, मॉर्निंग स्टार की। दोस्तों, मॉर्निंग स्टार जो है, ये 3 कैंडल का पैटर्न होता है और ये बुलिश कैंडल होता है। मॉर्निंग स्टार एक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में बनता है, ये 3 कैंडल का पैटर्न है, इसलिए हम 3 कैंडल को देख के इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कैंडल को समझना, कैंडल को जज करना। हम इस कैंडल में आपको बात करेंगे कि इस कैंडल को कैसे कैसी दिखती है, कैसे इस कैंडल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ट्रेडिंग में, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है इस पे। तो इस कैंडल का नाम है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, यानी सुबह का तारा। तो जो हमारे पहले कैंडल होती थी पुराने समय में, उस समय जब कैंडल होती थी तो सिर्फ ब्लैक और व्हाइट कैंडल होती थी। आजकल हम लोग तो रेड, ग्रीन, ब्लू, अलग अलग तरह जो हमको चाहिए वो कर लेते हैं, लेकिन उस समय सिर्फ व्हाइट और ब्लैक कैंडल ही होती थी। तो ब्लैक कैंडल बनते रहने के बाद भी नीचे जब मॉर्निंग स्टार बनता था, यानी सुबह का तारा, जो कि लगता है कि हाँ अब इस स्टॉक से अंधेरा हटने वाला है, यानी ब्लैक हट के अब उजाले की तरफ बढ़ने वाला है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार कहते थे। तो दोस्तों, बहुत ही स्ट्रांग कैंडल है, अच्छी कैंडल है, आपको प्रॉफिटेबल कैंडल है बहुत सारी। और इस कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर तीनों कैंडल, जो 3 कैंडल बनती है, एक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड की कैंडल बनेगी, एक छोटी कैंडल बनेगी जो कि डाउन ट्रेंड के बिल्कुल बॉटम पे होगी, और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनेगी। तो इस तीनों कैंडल को अगर आप मिला के देखेंगे तो ये कैंडल एक हैमर बनेगी, यानी 3 दिन के पैटर्न को हम जब जज करते हैं तो ये कैंडल एक हैमर का रूप धारण करेगी। तो इसलिए हैमर भी समझ सकते हैं, और ये मॉर्निंग स्टार, लेकिन 3 कैंडल मिलके बन रही है इसलिए मॉर्निंग स्टार और हैमर अकेले बन जाती है, लेकिन जब तीनों को हम गौर से देखेंगे तो ये हैमर का रूप धारण करेगी। तो दोस्तों, बहुत अच्छी कैंडल है, इस कैंडल को देखिए। आपने अगर हमारी बहुत सारी पीछे की कैंडल स्टिक नहीं देखी है तो आप कैंडल स्टिक को देखिए, चीज़ों को समझिए, कैंडल स्टिक कैंडल को समझिए, आप कैंडल को आइडेंटिफाई कीजिए, चार्ट पे कैंडल को आप समझिए, चार्ट पे कैंडल को देखिए, अपनी आंखों को ट्रेन कीजिए दोस्तों। देखिए, मेहनत से ही पैसा बनेगा, यहाँ पे आके आप गैम्बलिंग करके पैसा नहीं बना सकते हैं, इसलिए मेहनत कीजिए, रिसर्च कीजिए, कंटिन्यू अध्ययन कीजिए, सीखते रहिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया नया सीखते रहिए आप, तभी हमको बेनिफिट होगा इस स्टॉक मार्केट में। और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, नियमित रूप से आपको चीज़ें करनी है। आप अगर किसी कैंडल स्टिक को भी देख के बाइंग या सेलिंग करते हैं दोस्तों, तो आप कंटिन्यू कीजिए, आप 1 या 2 दिन में जज मत कर लीजिए, आप कंटिन्यू चीज़ों को करते रहिए, तो ही उसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। अगर आप चीज़ों को कंटिन्यू नहीं करते हैं तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोलूँगा आप चीज़ों को कंटिन्यू करते रहिए, रिसर्च करते रहिए, अध्ययन कीजिए। जैसे हम बहुत रिसर्च करने के बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, आप फटाक से किसी नतीजे पे पहुंचे। ट्रेडर क्या होता है, वो 1-2 दिन में ही जज कर लेता है सारी चीज़ों को। तो ये सबसे बड़ी कमी होती है ट्रेडर की, कि 1-2 दिन में जज मत कीजिए, कंटिन्यू चीज़ों को करते रहिए, समय अनुसार आप करते रहिए, तो चीज़ें प्रॉफिटेबल होती है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस कैंडल को हम चार्ट पर देख लेते हैं, कैसी दिखती है, क्या इसका कैंडल कैसी दिखती है, काम कैसे करती है, कहाँ पर हम इसको अप्लाई करना है। चलिए हम इसको चार्ट पे देख लेते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और हमारे YouTube चैनल घनश्याम टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपको जो भी जिस तरह की वीडियो आपको चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये मेरी प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिसिस थ्री जो जिसकी मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसकी ये वीडियो नंबर 17 है। अभी हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न चल रहा है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो जो मोरू बोजू, बुलेट इनगल्फिंग, बेरिस इनगल्फिंग, हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, डोजी, इन्वर्टेड
ये सारे वीडियो अगर आपने दोस्तों अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज मैं बोलूँ लोगों को देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों होगा क्या, आप वीडियो को देखने से ये होगा कि आपकी आंखें बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रेंड हो जाएंगी उस कैंडल स्टिक को पहचानने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कैंडल स्टिक को पहचानो। अगर आप कैंडल स्टिक को पहचान नहीं सकते हो तो फिर आपके लिए किसी काम की नहीं है ये वीडियो। आप कैंडल स्टिक को पहचानो, आप प्रैक्टिस करो, आप बार बार देखो चीजों को, तभी आप उस चीजों को पहचान सकते हो। तो दोस्तों आज की हमारी कैंडल है वो है मॉर्निंग स्टार। चलिए हम आज की कैंडल पे चलते हैं। देखिए मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार जैसे नाम से ही लग रहा है कि सुबह का तारा, यानी जो पहले की हमारी जो कैंडल होती थी, यानी जब जापानी लोगों ने इसका डेवलप किया था तो कैंडल उस समय ब्लैक और व्हाइट होती थी। आज तो हम लोग ग्रीन ब्लू रेड भी यूज कर लेते हैं, पहले सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। ब्लैक यानी काला यानी रात, और एक स्टार यानी मॉर्निंग स्टार, यानी अब इस कैंडल से मंदी वाले लोग जा चुके हैं। अब यहाँ पर जो तेजी करने वाले लोग हैं उन लोगों की एंट्री यहाँ पे हो रहा है, इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा था मॉर्निंग स्टार। यानी अब अंधेरा छट चुका है, अब उजाला होने वाला है, यानी उसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। जैसे हम लोग मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, ध्रुव तारा जैसे तारा को बोलते हैं हम लोग। तो जिसके पहले जमाने में लोग ध्रुव तारे को देख के ही ये अंदाजा लगाते थे, उस जमाने में घड़ियां नहीं थी तो लोग ध्रुव तारे को देख के ये अंदाजा लगाते थे कि अब सुबह होने वाली है। गांव के लोग किसान उसी तारे को देख के ये लोग वो लोग ये अंदाजा लगा लेते थे कि अब सुबह होने में ज्यादा समय नहीं है, यानी सुबह होने वाली है। तो उसी के नाम पे उन्होंने नाम रख दिया इसका मॉर्निंग स्टार, मतलब अब इस स्टॉक में अंधेरा छटने वाला है, अब उजाला स्टार्ट होने वाला है, यानी अब इस स्टॉक से मंदी करने वाले लोग जाने वाले हैं, अब तेजी करने वाले लोगों की एंट्री होगी। तो देखिए दोस्तों अब मॉर्निंग स्टार बनता कैसे है। मॉर्निंग स्टार सबसे पहले, मॉर्निंग स्टार एक यानी डाउन ट्रेंड रहेगा, स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चलता रहेगा। स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के बाद में एक कैंडल बनेगी, छोटी सी ग्रीन कैंडल। ये देखिए छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी। यानी ये तीन कैंडल को मिलाकर हम मॉर्निंग स्टार होता है, ये तीन कैंडल को मिलाकर मॉर्निंग स्टार बनता है दोस्तों। मॉर्निंग स्टार एक कैंडल, इस कैंडल को हम मॉर्निंग स्टार नहीं बोलते, बल्कि हम इस तीनों कैंडल को मिला के, यानी इस तीनों कैंडल का जो संयोजन होगा वो मॉर्निंग स्टार कहलाता है। ध्यान रखिए मॉर्निंग स्टार तीन कैंडल का पैटर्न है और ये रिवर्सल पैटर्न है, ये डाउन ट्रेंड का रिवर्सल पैटर्न है मॉर्निंग स्टार, और तीन कैंडल का पैटर्न है। तो ध्यान रखिए एक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चलता रहेगा स्टॉक में। देखिए डाउन ट्रेंड का मतलब ऐसा मत समझिए कि स्टॉक सिर्फ गिरते रहेगा, स्टॉक गिरेगा फिर ऊपर चलेगा, गिरेगा फिर ऊपर चलेगा, गिरेगा फिर ऊपर, मतलब ट्रेंड उसका डाउन ही होगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा। अब ये ध्यान रखिए जब ये ग्रीन कैंडल बनेगी तो हमेशा इसके ये जो इसका क्लोजिंग प्राइस है, इस क्लोजिंग प्राइस के नीचे ही इसकी ओपनिंग भी होनी चाहिए और इसी के नीचे ही इसकी क्लोजिंग भी होनी चाहिए। यानी इस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर इसकी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, इस क्लोजिंग प्राइस से नीचे इसकी क्लोजिंग भी होनी चाहिए और ओपनिंग भी इसके नीचे ही होनी चाहिए। पहली शर्त ये, पहली तो एक बुल बेरिश कैंडल बन गई, हमारा पहला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जब ये ग्रीन कैंडल बने इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही इसकी दूसरी चीज है। अब ये जो दूसरी जो ग्रीन कैंडल ओपन होगी, ये ग्रीन कैंडल हमेशा इसकी ओपनिंग प्राइस से ऊपर ही ओपन होनी चाहिए। ये ग्रीन कैंडल हमेशा इसकी जो छोटी वाली जो कैंडल होगी, ये ग्रीन हो या रेड हो, इस कैंडल के कलर से हमें मतलब नहीं है। देखिए जो ये स्टार कैंडल है इसके हमको कलर से कोई मतलब नहीं, ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, इससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन ये कैंडल जो ग्रीन बड़ी कैंडल बनेगी उसकी ओपनिंग हमेशा इसके ऊपर ही होनी चाहिए। यानी देखिए रेड कैंडल के बाद गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए और स्टार कैंडल के बाद जो स्टार की कैंडल बनेगी उसके बाद गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए रेड कैंडल के बाद, गैप डाउन होनी चाहिए और जब स्टार कैंडल बन जाए उसके बाद गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। तब ये तीन फॉर्मेशन को मिला के हमारा जो कैंडल तैयार होता है वो है मॉर्निंग स्टार, यानी सुबह का तारा। अब इसमें मंदी करने, देखिए रिवर्सल पैटर्न है, मतलब ये कैंडल आपको ये बताएगी कि अब यहाँ से मंदी करने वाले लोग जाने वाले हैं, अब तेजी करने वाले लोगों की एंट्री यहाँ पे हो रही है। ये एंट्री कब होगी, जब ये गैप अप होगा और गैप अप के बाद स्टॉक ऊपर चलने लगेगा। अब हमें कहाँ पे बाइंग करना है, देखिए हमें हमेशा बाइंग करना है इस कैंडल के ऊपर, यानी जो इवनिंग स्टार जो हमारे तीन कैंडल का पैटर्न है उस पैटर्न के ऊपरी वाली कैंडल के ऊपर हमें बाइंग करना है। जब स्टॉक ये ऊपरी वाली कैंडल के ऊपर क्लोज दे दे तभी हम इसको बाइंग करेंगे मॉर्निंग स्टार में। अब एक बार फिर से, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड कैंडल बने, रेड कैंडल के बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बने, वो हमेशा गैप
डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, गैप डाउन ओपनिंग होके क्लोजिंग भी उसकी हमेशा उसकी क्लोजिंग से नीचे ही होनी चाहिए, और जब अगली कैंडल हो ग्रीन कैंडल अगले दिन जब ओपन होगी वो हमेशा गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। अब देखिए ये कैंडल बन गई। अब इस कैंडल को आप देखिए गौर से, अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वही कैंडल बनेगी। अभी आपको नहीं दिखा, चलिए मैं ये आपको दिखाता हूँ। कैंडल को ध्यान से देखिए, तीनों कैंडल का मिला के मॉर्निंग स्टार तो बन गया, लेकिन ये तीनों कैंडल एक हमारी जो पुरानी कैंडल जो हम रीड कर चुके हैं जिसका वीडियो हम देख चुके हैं उसके जैसे बन रही है। अब इसको देखिए, ये देखिए ये इस तीनों कैंडल में से हाई प्राइस है इसका, इसका हाई है, इस तीनों कैंडल का लो है ये। अब देखिए ये इसका ओपन प्राइस है, तीनों कैंडल का ये ओपन प्राइस है ठीक है, और ये क्लोज प्राइस है। अब इस तीनों कैंडल को मिला के देखिए क्या कैंडल बन गई। ये देखिए हमारी बन गई है हैमर, यानी मॉर्निंग स्टार तीन कैंडल का पैटर्न है, इसलिए ये मॉर्निंग स्टार है। इसको अगर तीनों दिन अलग देखेंगे, लेकिन अगर इसको मिक्स तीनों कैंडल को हम एक कैंडल बना के देखेंगे तो ये हैमर बन चुकी है। तो हैमर हमेशा हमेशा बुलिश रिवर्सल का साइन है, तो ये हैमर कैंडल बन चुकी है। तो दोस्तों चलिए अब इसको हम थोड़ा चार्ट पे देख लेते हैं। हाँ दोस्तों देखिए ये देखिए, अब ये देखिए ये डॉक्टर रेड्डी का चार्ट है, ये देखिए ये चार्ट है डॉक्टर रेड्डी का। अब देखिए इस चार्ट में देखिए एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद ये कैंडल को देखिए, ये स्टार कैंडल है हमारी, ये हमारी स्टार कैंडल है। अभी देखिए ये कैंडल इसके क्लोजिंग प्राइस से गैप डाउन ओपनिंग हुई है और क्लोजिंग भी इसके नीचे ही दी है, ऑलरेडी क्लोजिंग के नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है। पहला क्राइटेरिया इसने फुलफिल कर दिया। अब दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जब ये इसके गैप अप ओपन हुई, देखिए ये कैंडल भी गैप अप ओपन हुई है और गैप अप ओपन हुई है ये कैंडल, और इसके बाद रुक जाओ आते हैं थोड़ी देर में, ये कैंडल गैप अप ओपन हुई है और गैप अप ओपन होने के बाद इस कैंडल ने देखिए इसके ऊपर ही क्लोज भी दिया है। तो ये हमारी है मॉर्निंग स्टार, ये हमारी कैंडल है मॉर्निंग स्टार। देखिए एक डाउन ट्रेंड मिला, डाउन ट्रेंड के बाद कैंडल हमारी बनी, और ये तीन अब हम इसको बाइंग करेंगे हमेशा इस कैंडल के ऊपर जब ये क्लोज दे देगा, यानी इस कैंडल में हम कहीं ना कहीं जाके इसको बाइंग करेंगे। तो देखिए स्टॉक कितने अच्छे खासे अप ट्रेंड में गया। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि कभी भी प्रॉफिट ऑफ फुल मत लीजिए, एक लो बनाए तो उस लो को स्टॉप लॉस बनाइए, फिर ऊपर जाए फिर आप उस लो को कहीं भी कहीं। ये देखिए 28 से स्टॉक 37 तक गया, 2800 से स्टॉक ये 37 तक गया। तो दोस्तों ये थी मॉर्निंग स्टार, इस कैंडल को आप अच्छी तरह से देखिए समझिए, अपनी आंखों को ट्रेन कीजिए, इसे देखना है क्या करना है, इसको यूज कैसे करना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कैंडल मॉर्निंग स्टार। दोस्तों चलिए ठीक है। हाँ दोस्तों मैं एक चीज बताना भूल गया कि यूट्यूब ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया था, पिछले 2 दिन के लिए यूट्यूब ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया था, तो उस दिन मेरी वीडियो नहीं आ पाई दोस्तों, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों यूट्यूब ने मेरा चैनल ब्लॉक किया था अब।